मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यूड बाय सेंट जेम्स स्कूल। इस वीडियो में आज हम क्लास थर्ड के लिए हिंदी साहित्य का चैप्टर 6 पढ़ाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे और पाठ का नाम है बोल अनमोल। बोल मतलब बोली, वाणी या वचन, अनमोल मतलब अमूल्य, इसका कोई मोल नहीं है। मतलब वाणी या वचन अनमोल है या बहुत कीमती है। वचन का प्रयोग, वाणी का प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक और नम्रता से करना चाहिए। हम अपने व्यवहार कुशलता से कोई भी अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। अगर हम अभिमान या घमंड पूर्वक वार्तालाप करते हैं तो हम बने बनाए काम को भी बिगाड़ सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं, शशांक एक दुकानदार था। वह एक छोटे से गाँव में किराने की दुकान चला। शशांक नामक एक व्यक्ति था जो एक दुकानदार था। आसपास के कई गांव में ऐसी और कोई दुकान नहीं थी, अर्थात उसकी दुकान बहुत अच्छी थी। इस कारण शशांक की अच्छी आय हो जाती थी, आय मतलब इनकम। दुकान में सामान भी जल्दी ही खत्म हो जाता था। दुकान का सामान लेने शशांक को बार बार शहर जाना पड़ता था। उसकी दुकान एक गाँव में थी। जब उसकी दुकान में सामान खत्म हो जाता था तो और अधिक सामान लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शशांक को दुकान का कुछ सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ा। ठंडी का मौसम था, बहुत ठंड थी जिस दिन वो दुकान का सामान लाने जा रहा था। वह सामान खरीद कर जल्दी लौटना चाहता था पर आते समय उसे देर हो गई। हाथों में बहुत ज़्यादा सामान होने से चाल भी धीमी हो गई। हाथ में वजन था जिसके कारण वो तेजी से नहीं चल पा रहा था। चलते चलते शशांक की हिम्मत जवाब देने लगी। ठंडी हवा अपना पूरा असर दिखाने लगी। अंधेरा भी हो चला था। ठंड, हवा और अंधेरे के कारण शशांक बहुत घबरा गया, मतलब परेशान हो गया। वह ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। ठहरने मतलब रुकने के लिए। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। उसे दूर एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। उसके कदम उस झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। झोपड़ी के पास पहुंचकर शशांक ने देखा कि उस झोपड़ी के बाहर अलाव चल रहा था और एक वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा था। आग ताप रहा था मतलब आग से सेक रहा था। शशांक को लगा कि उसे भी अलाव के पास जाकर अपने शरीर को गर्माहट देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया तो ठंड से उसके हाथ पांव में अकड़न आ जाएगी। शशांक ने उस वृद्ध पर अपना प्रभाव डालने के लिए कहा, मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ। इकलौता मतलब केवल एक दुकानदार हूँ। मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। आग ताप रहे उस वृद्ध ने शशांक की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। सुनकर के भी अनसुना। क्यों कर दिया? क्योंकि शशांक की आवाज़ में, शशांक की वाणी में घमंड थी, अभिमान झलक रहा था, जिसके कारण उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने शशांक को ना बैठने को कहा और ना वहाँ से चले जाने के लिए। मतलब उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। शशांक को लगा कि अब उसे इसी ठंडी में घर जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद वह कुछ सोचकर वापस लौटा और विनीत स्वर में बोला, बाबा मैं ठंड से कांप रहा हूँ, मुझ पर दया करें, मुझे अलाव के पास बैठने दें ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूँ। पहली बार जब उसने बोला तो अभिमान भरे स्वर में बोला था और दूसरी बार जब वह आया तो विनीत स्वर में बोला, मतलब नम्र स्वभाव में बोला। उसने प्रार्थना की, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। शशांक के बोल उस वृद्ध को भागे मतलब अच्छे लग गए। न केवल बैठने को ही कहा, यह बात सुनकर, उनकी वाणी सुन करके शशांक की, उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को बैठाया बल्कि उसे चाय भी पिलाया। शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए
बाबा मुझे क्षमा कीजिए, मैंने पहले अपने घमंड से आपसे ठीक से बात नहीं की थी, शायद इसलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत देते हुए कहा, नसीहत मतलब शिक्षा देना या सीख देना, सीख देते हुए कहा, मेरी बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना, मतलब जब हम किसी वाणी को बोलते हैं तो उनके शब्दों को ध्यान से सोचना चाहिए कि सामने वाला इसका इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वे सुनने वाले पर कैसे असर करेंगे, इस पर भी विचार जरूर करना चाहिए। इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपना व्यवहार कुशल होना चाहिए और अपनी वाणी को मधुर बनाना चाहिए, कड़वी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे इसके शब्दार्थ हैं, किराने की दुकान वह दुकान जहाँ पर दाल चावल आदि इत्यादि घरेलू सामान मिलते हैं, अलाव तापने के लिए जलाई हुई आग को अलाव कहते हैं, अनसुनी मतलब ध्यान ना देना, आय मतलब आमदनी, प्रभाव मतलब असर, वृद्ध मतलब बूढ़ा, नसीहत मतलब सीख। आगे इस पाठ के कठिन शब्द हैं, प्रभाव, इकलौता, वृद्ध, झोपड़ी, शशांक, कड़ाके, नसीहत। प्रश्नोत्तर है, शशांक क्या काम करता था? शशांक एक छोटे से गांव में किराने की दुकान चलाता था, अर्थात वह दुकानदार था। शशांक को सामान खरीदने कहाँ जाना पड़ता था? शशांक को सामान खरीदने के लिए शहर जाना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध व्यक्ति क्या कर रहा था? उत्तर है, वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा था, मतलब अलाव के सामने बैठा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वृद्ध व्यक्ति ने शशांक की बात सुनकर अंजनी क्यों की? उत्तर है, वृद्ध व्यक्ति ने शशांक की बात इसलिए अंजनी कर दी क्योंकि उसे शशांक की बातों में घमंड महसूस हुआ। आगे इसके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त स्थान की पूर्ति। वाक्य है, एक दिन की पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी? कड़ाके की ठंड पढ़ रही थी, तो कुछ वन में आपको फिल करना है कड़ाके। खा है वाक्य, झोपड़ी के बाहर जल रहा था, क्या जल रहा था? क्या जल रही थी? आग जल रही थी, झोपड़ी के बाहर आग जल रही थी। ग है, शशांक के बोल उस वृद्ध को क्या कर गए? भागे, भागे मतलब अच्छे लगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। शब्द है सर्दी, उसका विलोम होगा गर्मी। खा है तेज, तेज का विलोम होगा धीरे। गा है शब्द अंधेरा, अंधेरा का विलोम होगा उजाला। घा है शब्द अंदर, विलोम होगा बाहर। ना है गांव, गांव का विलोम होता है शहर। शहर है सुंदर, सुंदर का होगा क्रूर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनका स्वाद और रंग कैसा होता है लिखिए। ये चित्र है, बुक में भी बने हैं, जलेबी का चित्र है, ये कैसा होता है? मीठा और इसका कलर नारंगी। दूसरा चित्र है नींबू का, ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा और रंग होता है पीला। अगला है करेला, करेला का स्वाद होता है कड़वा और रंग होता है हरा। अगला चित्र है मिर्ची का, मिर्ची होती है तीखी और इसका रंग होता है लाल। क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए। पहले तो समझिए विशेषण है क्या। संज्ञा भी हमने आपको पढ़ाया था, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह मेरी सुंदर किताब है, यह मेरी सुंदर किताब है, तो किताब है संज्ञा शब्द, संज्ञा किताब कैसी है? सुंदर है, तो सुंदर शब्द विशेषण है, मतलब संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वाक्य है का, हाथों में ज्यादा सामान होने से भी चाल धीमी हो गई थी। इसमें संज्ञा शब्द क्या है वाक्य में? सामान, किसी वस्तु का नाम है। सामान, सामान कैसा था या कितना था? ज्यादा, तो ज्यादा शब्द जो है वो
विशेषण है। खा है वाक्य, उसे दूर से एक झोपड़ी में रोशनी दिखाई दी। वाक्य में संज्ञा शब्द है झोपड़ी। झोपड़ी में क्या कैसी थी? एक झोपड़ी थी, तो एक जो है वो विशेषण है। गर्भ वाक्य, वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा था। व्यक्ति जो है वो संज्ञा है, व्यक्ति कैसा था? वृद्ध था, तो वृद्ध जो है वो विशेषण है। घर वाक्य, इस कारण शशांक की अच्छी आय हो जाती थी। आय संज्ञा शब्द है, कैसी? अच्छी, विशेषण शब्द है अच्छी। ये बुक वर्क है, आपको बुक में ही फिल करना है, और ये क्वेश्चन आंसर और कठिन शब्द